सारांश में आपका हार्दिक स्वागत है। होली का मतलब ही है उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ भाईचारे के रंग बिखेरना। इसकी शुरुआत होती है होलिका दहन से। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस बार भी प्रत्येक वर्ष की तरह होलिका का दहन होगा, रंग और गुलाल उड़ाकर खुशियां बांटी जाएंगी और गली मोहल्ला रंगों के त्योहार में रमा रहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन किए गए छोटे उपाय आपके जीवन को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से भर देंगे? आइए जानते हैं ऐसे ही छोटे उपायों के बारे में। सुबह सुबह पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए यदि आप धन की इच्छा रखते हैं तो इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ के नीचे माँ लक्ष्मी का पूजन करें और लक्ष्मी को घर पर निवास करने के लिए आमंत्रित करें। इससे लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। होलिका दहन की पूजा काल के समय यदि घर में कोई मेहमान आता है तो यह बहुत अच्छा संकेत है। उस समय उस मेहमान को जलपान अवश्य करवाएं और आप यह समझें कि आपके घर में धन लक्ष्मी का प्रवेश होने वाला है। होली के अवसर पर नए लाल कपड़े में गुलाल रखकर पोटली बनाकर तिजोरी में रखें, व्यवसाय से धन लाभ अवश्य होगा। होली के दिन श्री लक्ष्मी फल को लाल कपड़े में रख दें, फिर उस पर कामिया सिंदूर, देशी कपूर एवं अखंडित लौंग चढ़ाकर धूप दीप देकर मुद्रा अर्पित करके धन स्थान पर रख दें। इससे धन में वृद्धि होगी। 11 कोड़ियों को शुद्ध केसर से रंगकर पीले कपड़े में बांधकर धन स्थान पर रखने से भी धन का आगमन होता है। वैसे तो इन उपायों को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन होली के दिन प्रातःकाल उठकर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर उन्हें चूमने और अपने चेहरे पर 3-4 बार फेरने से धन आगमन होने लगता है। यदि व्यवसाय में निरंतर हानि हो रही है तो इस दिन वट वृक्ष की जड़ लाकर उसे रेशमी धागे में बांधकर दुकान के मुख्य द्वार के समीप लटका दें। अगर रेशमी धागे को लाल चंदन से रंग लिया जाए तो शीघ्र हानि दूर होकर लाभ होने लगता है। होलिका दहन से जलते हुए उपले पर थोड़ा सा लोबान रखकर उसके धुएं को पूरे घर में घुमाएं। इससे घर धन धान्य से भरपूर रहेगा। अगर आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल सारांश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।